यहाँ हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र को सिर्फ राजशाही मान लिया है, लोकतंत्र की जननी पर राजशाही परिवार शाही मान लिया है कि हमारे पिताजी हैं तो हम हैं, और फिर चाचा जी हैं तो फिर अब हम आए, बस इसी के नाम पर इसी परंपरा को चलाना है। और विकास देखिए तो विकास सड़क दिख रहा है, बिजली का पोल दिख रहा है, और भी बहुत सा मुद्दा है, और युवा के लिए सबसे बड़ा रोजगार मुद्दा है जो तो फायदा हमें है। और बाकी सीपेट में हाजीपुर से कितने स्टूडेंट्स आप पता कर सकते हैं जाकर के? अगर ऐसा होता है कि हाजीपुर से है, हाजीपुर का दिया हुआ रामविलास पासवान जी का, तो वहाँ हाजीपुर के स्टूडेंट्स को 35% जिसे बोले थे राज भाई के, उसको आरक्षण मिलना चाहिए था, ऐसा कुछ तो यहाँ है नहीं। 10 साल तो हो गया अभी तक ये सड़क को देखते हुए, और कितने बच्चे और बूढ़ियों का पैर टूटा है ये बता नहीं सकता है आदमी। अब विकास को देख कर करना है तो विकास नाम का कोई चीज ही नहीं है। हाजीपुर, हाजीपुर के सबसे वीआईपी रिहायशी इलाकों में से एक सीता चौक से जाने वाली सड़क है, और सीता चौक से मिलती है यहाँ हाईवे से कनेक्टेड सड़क है, और उस सड़क का क्या हाल है वो स्थिति आप देखिए, इधर से भी देखेंगे पीछे भी और ये भी आप देखेंगे, तो जहाँ नाली बना हुआ है नाली से कितना डाउन सड़क है, और सड़क का हालत आप देख सकते हैं। आज अगर बारिश हो जाती तो इस सड़क पे चलना मुश्किल था, आज अगर बारिश हो जाती चलना मुश्किल था, लेकिन जब भी बारिश हुई है लगभग लोग बता रहे हैं कि 10 साल से यही हाल है, ऐसे ही इसी सड़क पे लोग चलने को मजबूर है। मजबूर कहा है क्योंकि सड़क पे कोई ना सुनने वाला है, एक बार काम हुआ काम होके चला गया, ना कोई बोलने वाला ना कोई टोकने वाला, सड़क पे क्या कर। लोकसभा चुनाव है, लोगों से भी जानेंगे। सर सबसे पहले स्वागत है, क्या कहेंगे, कितना दिन से ये सड़क खराब है, क्या स्थिति है इस सड़क की? रोड खराब है, कोई देखने वाला कोई पूछने वाला नहीं रोड का, समझा? प्रशासन भी जाता है पूरा एक लाइन से देखता है, तब भी कोई अंठिया के चल जाता है, देखता नहीं कि हाँ रोड का यहाँ से सीता चौक तक पूरा खराब रोड, समझा? पूरा सीधा चौक तक खराब रोड तो खुला है सीता चौक। कितना साल पहले ये बना होगा आपके अंदाज से? राजदाजा के 10 साल तक कम, उसके बाद से बन में नहीं किया, उसके बाद बना नहीं, 10 साल से ऊपर हो गया। 10 साल से ऊपर हो गया, और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? आप लोग आते जाते हैं, आप लोग तो बुजुर्ग में आते हैं, क्या कहेंगे? सड़क का हालत है बारिश के समय में कैसा होता भाई? बहुत चलना मुश्किल हो जाता है, पानी में डूब जाता है, लोग एकदम फंस जाते हैं कीचड़ पानी जी, गाड़ी तो खैर फंसी है, लोग फंस जाते हैं ये बाईपास से सीता चौक तक, यही हालत है इस रोड का, पूरा एकदम यही हालत है। लोकसभा चुनाव होने वाला है, क्या कहेंगे इस बार चुनाव में, किस चीज को देख के वोट करेंगे? विकास को देख कर करना है तो विकास नाम का कोई चीज ही नहीं है। हाजीपुर में लोग कहते हैं कि बहुत सारा विकास हुआ है, लगातार जो लोकसभा में रहे हैं काफी विकास की बात करते हैं, लगता है कि विकास? लोगों कहने दीजिए, हमारे मोहल्ले की बात है, यहाँ जो रोड है आपके सामने है देखिए जी, और भी लोग है जानेंगे जी, असर आ गया जी थोड़ा सा, क्या कहेंगे? काफी विकास हुआ है दिख रहा है क्षेत्र में। सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दोराह समय के घर घर का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। 1977 से रामविलास जी 2-3 बार यहाँ से सांसद नहीं रहे, लेकिन लगभग हर बार सांसद रहे यहाँ, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। और ना यहाँ की सड़कें ठीक है, ना यहाँ शिक्षा का कोई बेहतर इंतजाम है, यहाँ के बच्चे शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए दूसरे जगह जाते हैं। और आपको बता दें कि नमामि गंगा घाटों का, नमामि गंगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत घाटों का सौंदर्यीकरण का और घाटों से घाट को जोड़ने का काम हुआ था, शिलान्यास हुआ था 2016 में, वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ऑक्सीजन प्लांट इंडस्ट्रियल एरिया में लगना था, वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। भाजपा का कार्यालय जरूर बन गया है, भाजपा का ये सवाल खड़ा करें कि भाजपा का कार्यालय बन गया है, सड़क बना आपका नहीं, सड़कों की हाल ये है कि बच्चे, जब स्कूल के बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग इसमें आए दिन गिरते रहते हैं, किसी का हाथ किसी का पैर टूटता रहता है, यह तो स्थिति है हाजीपुर के। अच्छा, विकास इस भाजपा का कार्यालय जरूर बन गया है, भाजपा का ये सवाल खड़ा करें कि भाजपा का कार्यालय बन गया है, सड़क बना आपका नहीं, सड़कों की हाल ये है कि बच्चे, जब स्कूल के बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग इसमें आए दिन गिरते रहते हैं, किसी का हाथ किसी का पैर टूटता रहता है, यह तो स्थिति है हाजीपुर के। अच्छा, विकास इस रोड में कई गो स्कूल है? ये इस रोड में 3 स्कूल है, सूरजदेव मेमोरियल आगे में स्कूल है, आपका सामर्थ्य
सामर्थ्य स्कूल है सीता चौक पे, यहाँ गवर्नमेंट का स्कूल है आपको सामने में, आपके पीछे आइडियल पब्लिक स्कूल है, यानी कई बड़ा बड़ा स्कूल है, लेकिन रोड का हालत एकदम जर्जर एकदम जर्जर। और आपको बता दे रहे हैं कि जो यहाँ से अभी वर्तमान में सांसद प्रत्याशी एनडीए के तरफ से चिराग आए हैं, वो जो जमुई से जो जमुई के जनता को जो ठग के आए हैं, उनके द्वारा भी जमुई में दो गांव को गोद लिया गया था, दहियारी पंचायत और बटिया गांव को। पूरा नॉलेज लेके बैठे जी नॉलेज आप प्रत्याशी के बारे में तो जानेंगे ना कि आप क्या जमुई के अंदर में काम करके आए हैं और हाजीपुर में आप क्या काम करेंगे। लेकिन आप दहियारी पंचायत और बिटिया गांव का आप गूगल करके देख ले, वहां भी घर घर तक आदिवासी और दलित बहुल क्षेत्र है, वहां अभी तक पानी का इंतजाम नहीं हुआ है, न शिक्षा का, न कोई स्कूल खोला गया है, तो यह हाजीपुर में क्या विकास करेंगे वो। तो हाजीपुर की ही बात करते हैं, विकास आपके सड़क पे ही है जो दिखता नहीं है, लोग कह रहे 10 साल से यही, हमने पहले भी खबर बनाई थी, लेकिन उसके बाद भी लोग कहते हैं कि सड़क बनेगी लेकिन बना नहीं। आपसे बात करेंगे, क्या कहेंगे, सड़क का हाल बेहाल भले और लोकसभा चुनाव भी है, आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इस रोड में कितने हादसा हुए हैं। और रही बात विकास की, तो विकास तो एक ही परिवार का लोग यहाँ राज किया, हाजीपुर के जनता ने उन्हें सदन में भेजने का काम किया, लेकिन हाजीपुर के जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। हाजीपुर में बड़ा बड़ा लगा होटल मैनेजमेंट, कई ऐसा चीज गिनाते हैं कि बड़ा बड़ा काम हुआ है हाजीपुर। तो होटल मैनेजमेंट आपने दिया तो यहाँ उनको आरक्षण कितना दिया, यहाँ के बच्चों को देना चाहिए ना कि हाँ एक निर्धारित करना चाहिए कि यहाँ के बच्चों को यहाँ होटल मैनेजमेंट दिए, सीपेट दिए, तो यहाँ के बच्चे को 35% 40% हम दे कि नहीं आरक्षित हो जाए हाजीपुर जिला लोकसभा के बच्चों को, कि इनका एडमिशन की पहली फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ हवा हवाई में बात है। हम लोग नेता चुनते हैं, ठीक है, तो जैसे शादी करने जाते हैं तो गोट देखते हैं, बहुत सारा चीज देखते हैं, तो ऐसा ही हम लोगों को नेता का भी परखना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद हम लोग को जाकर नेता को सदन में भेजने का चाहिए। लेकिन यहाँ की जनता ने मूड बना लिया है कि हाजीपुर का बेटा ही हाजीपुर का विकास कर सकता है, अब वो बेटा है शिवचंद्र राम। चलिए ये अपना बात हो गया, लेकिन आप युवा हैं, आप एक से एक बात करेंगे, आ जाइए इधर, आप बताइए, आप युवा हाजीपुर में घूमते हैं, क्या लगता है हाजीपुर में जो सड़कें हैं, विकास हुआ है, दिखता है विकास कहीं है? नहीं, विकास तो यहाँ कुछ नहीं है, विकास के नाम पर सिर्फ यहाँ एक तरीके से आप मान लीजिए जैसे एनडीए के प्रत्याशी हैं और इधर महागठबंधन के प्रत्याशी है, यहाँ हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र को सिर्फ राजशाही मान लिया है, लोकतंत्र की जननी पर राजशाही परिवार शाही मान लिया है कि हमारे पिताजी हैं तो हम हैं, और फिर चाचा जी हैं तो फिर अब हम आए, बस इसी के नाम पर इसी परंपरा को चलाना है। और विकास देखिए तो विकास सड़क दिख रहा है, बिजली का पोल दिख रहा है, और भी बहुत सा मुद्दा है, और युवा के लिए सबसे बड़ा रोजगार मुद्दा है, जो रोजगार के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा। 5 साल ऐसे ही आता है, चुनाव की घंटी पर नेता हवाई जहाज से आते हैं और अपना बोला बोल के चले जाते हैं। तो इस बार युवा, हाजीपुर का युवा और हाजीपुर की जनता हाजीपुर का बेटा चुनना चाहेगी और विकास के नाम पर वोट करना चाहेगी। विकास के नाम पे वोट होना चाहिए कि जात पात के नाम पे? इनसे पूछेंगे, आप इधर आजिए, सीपेट में पढ़ते हैं जी, लगा हुआ है सीपेट का कार्ड भी है, तो इन्हीं से पूछते हैं। ये भी कहा जाता है कि सीपेट रामविलास पासवान का देन है, आपको लगता है कि कितना फायदा हुआ है आप लोगों को सीपेट में? फायदा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सीपेट पढ़ रहे हैं ना जी जी, तो फायदा हमें है और बाकी सीपेट में हाजीपुर से कितने स्टूडेंट्स आप पता कर सकते हैं जाकर के? मुश्किल से 10 मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? अब यही बात है ना, अब हर किसी को जाना है, एंट्रेंस देना है, एंट्रेंस में भी स्टूडेंट नहीं पहुंच रहे तो उसके लिए उस स्पोर्ट्स एडमिशन लेना है, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि हाजीपुर से है, हाजीपुर का दिया हुआ रामविलास पासवान जी का, तो वहाँ हाजीपुर के स्टूडेंट्स को 35% जिसे बोले थे राज भाई के, उसको आरक्षण मिलना चाहिए था, ऐसा कुछ तो यहाँ है नहीं, सबके लिए सब कुछ सेम है। यानी हाजीपुर के स्टूडेंट को भी आरक्षण नहीं मिला है, क्या कहेंगे? लगता है कि विकास हुआ है और भी कामों में, सड़कों में देखते हैं चाहे? सड़कों में तो कहीं नहीं सर, सर बारिश का अभी यहाँ पे बात हो रहा है, बारिश छोड़ दिए सर, नॉर्मल दिन में लोग यहाँ पे आप चलिएगा गिर जाइएगा कहीं सर, पूरे हाजीपुर में आप कहीं पे भी आपका रोड अच्छा नहीं मिलेगा, रोड हो गया, पुल हो गया, या पुल का ही मामला देख लीजिए, कोई भी चीज़, यहाँ विकास तो सर कहीं नहीं है। एक चीज पूछेंगे, हाजीपुर का इस बार युवा क्या सोच के वोट करेगा और क्या सोच के उसको वोट करना चाहिए? बार हमें चाहिए सर कि हमारे हाजीपुर का विकास हो, हमें एक अच्छा अपना नेता चाहिए, नेता नहीं, हमारा भाई हमारा बेटा चाहिए हमें,
और सर कुछ क्या मतलब बना लिया है कि स्थानीय ही हाजीपुर का बेटा ही हाजीपुर का विकास कर सकता है, तो ये बात है और भी लोग हैं उनसे ही बात करेंगे, लेकिन समस्या है कि सड़क। आप हाजीपुर में, मैं कई बार इन खबरों को चला चुका हूँ, दिखा चुका हूँ कि हाजीपुर का जो सड़क है, आप पूरे हाजीपुर में घूम लीजिए। आज मैंने एक कमेंट न्यूज़ भी डाला था कि हाजीपुर में बारिश हो जाए तो लोगों का जो रिएक्शन आया है वो आप देख सकते हैं, लेकिन काफ़ी रिएक्शन आया है। आज भी अगर सही में बारिश हो जाए तो हाजीपुर की नरकीय स्थिति हो जाती है। इस पर सवाल अगर हम खड़ा करें तो विकास गायब हो जाता है, तो विकास कहाँ हुए? विकास दिखना चाहिए जमीन पे, सड़क पे। विकास का मतलब रोड का विकास होता है, सड़क का विकास होता है, लोगों को चलने के लिए विकास होता है, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, लोगों को पानी अच्छा मिले, तो पूरा व्यवस्था होना चाहिए, तब जाके विकास होता है। लेकिन अब कहाँ विकास है ये तो अब लोग जो बोलते हैं वो जाने, लेकिन इस बार लोग भी ये कह रहे हैं कि विकास के नाम पर वोट होना चाहिए। अब देखते हैं कौन सा विकास के नाम पर लोग या हाजीपुर के लोग किस चीज़ को और किस को मुद्दा बना के वोटिंग करते हैं।